आज बच्चों हम एमपी बोर्ड के क्लास 12 का प्रायिकता चैप्टर पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज है 18 सी, उसका क्वेश्चन नंबर हमको आपको 12 नंबर बताएंगे। अच्छी तरह से फेंटी गई एक 52 पत्ते की ताश की गड्डी से बिना प्रतिस्थापन के दो पत्ते या दृक्ष निकाले जाते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उनमें से एक हुकुम का और दूसरा लाल रंग की बेगम। हुकुम मतलब स्पेड का पत्ता होना चाहिए और लाल रंग का बेगम मतलब लाल रंग के रेड कलर के कॉइन होना चाहिए, ठीक है। बिना प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि जब पत्ते निकाल लेंगे तो पत्तों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, ठीक है ना। बिना प्रतिस्थापन का मतलब पत्तों की संख्या निकलते जाएंगे, पत्तों की संख्या क्या होंगी, कम होते जाएंगे। तो कुल पत्ते कितने दिए गए बताइए, कुल पताश के पत्ते हैं 52 के पत्ते हैं बराबर 52, ठीक। हुकुम के पत्ते कितने होते बताइए, हुकुम के पत्ते होते हैं 13, ठीक। हुकुम के पत्ते बराबर 13। लाल रंग के बेगम एक्चुअली में कितने होते हैं, 4, तो लाल रंग के 2 होंगे और काले रंग के 2 होते हैं, तो लाल रंग के बेगम होंगे 2, ठीक, क्लियर हुआ ये। इसके बाद देखिए उनमें से एक हुकुम का पत्ता हो और दूसरा लाल रंग का बेगम हो, तो इसको मैं संचय के मेथड से लगाऊंगा, तो अभीष्ट प्रायिकता बराबर, सबसे सरल तरीके से बताया जाएगा आपको इसको, अभीष्ट प्रायिकता बराबर क्या होगा, 13 पत्ते हुकुम के, 13 पत्तों में से एक पत्ता हुकुम का निकालेंगे तो 13C1 लिखेंगे और लाल रंग के बेगम कितने होते हैं, 2, तो 2C1 ये, तो इस प्रकार से दो पत्ते निकल गए और टोटल पत्ते कितने थे हमारे पास 52, तो 52 पत्तों से दो पत्ते निकालना मतलब 52C2। तो देखो 13C1 का मतलब 13 होगा और 2C1 का मतलब 2 ही होगा, 52C2 का मतलब 52 × 51 बटे 2 × 1, तो 2 × 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, 13 × 2 लिखोगे और 2 × 1 बटे में क्या आएगा, 52 × 51 आ गया, ठीक। तो 13 × 4 क्या हो जाएगा, 52, और 2 से 4 कट जाएगा तो 2, और ये 2 से 2 भी कट गया तो 1, इस प्रकार से 1 बटा क्या आया, 51, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ इस सवाल का। अब बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 13 नंबर हम लोग, बहुत अच्छा प्रायिकता का क्वेश्चन है। प्रायिकता के क्वेश्चन को जब सॉल्व करिए आप घर पे या प्रैक्टिस करिए, तो सबसे ज़्यादा आप क्वेश्चन को पढ़िए, कई बार क्वेश्चन को पढ़िए और उसको क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के क्वेश्चन की मीनिंग को समझिए, इसके बाद सॉल्व करिए तो जल्दी आपसे इसी इजी में आंसर आएगा, ठीक है ना। एक थैले में 5 लाल और 3 काली गोलियाँ हैं, ठीक, क्या, एक थैले में 5 लाल और 3 काली गोलियाँ हैं, बिना प्रतिस्थापन के थैले में से 3 गोलियां एक एक करके निकाली जाती है। बिना प्रतिस्थापन का मतलब बता दिया, गोलियों की संख्या कम होती जाएंगी। निकाली गई तीनों गोलियों में से कम एक काली गोली होने की प्रायिकता क्या है, यदि निकाली गई पहली गोली क्या है, लाल, पहली गोली लाल ही रहेगी, R1 आपका क्या रेड ही रहेगा, बाकी गोलियां बदल जाएंगी लेकिन R1 को नहीं बदलना, फर्स्ट गोली R1 रहेगी। तो हल करते समय हम लिखेंगे, माना पहली गोली के लाल होने की घटना R1 है, क्या माने, पहली गोली के लाल होने की घटना R2, दूसरी गोली के लाल होने की घटना R2, ठीक, तीसरी गोली के लाल होने की घटना R3 माना, ठीक, समझ गए ना, क्लियर हुआ है आपका। इसके बाद बोलेंगे कि पहली गोली कंडीशन है, यदि निकाली गई पहली गोली लाल ही होनी चाहिए तो दूसरी काली होने की भी लिखेंगे, दूसरी गोली के काली होने की घटना, क्योंकि पहली गोली फिक्स है कि लाल ही होगी, इसलिए मैं यहां दूसरी गोली के काली होने की घटना को हम क्या मानेंगे, B2 तथा तीसरी गोली के काली होने की घटना
क्या मानेंगे, बी थ्री मानेंगे। ठीक समझ में आया ना कैसे मानना, तीनों गोलियां पहले लाल रहेंगी आर वन आर टू आर थ्री, अब उसमें कंडीशन की निकाली गई पहली गोली लाल ही होगी इसलिए अब दूसरी गोली को काली होने की घटना हम बी टू मानेंगे और तीसरी गोली के काली होने की घटना बी थ्री। आप देखिए प्रायिकता में लिखेंगे पी आर वन इंटरसेक्शन होगा आर टू, मतलब ये लाल गोली की हो गई और ये भी लाल गोली की हो गई, इंटरसेक्शन बी थ्री कर दिया। ठीक ये समझ आया, फिर यूनियन लगाइएगा नियम है इसका, फिर पहली गोली लाल ही रहेगी फिक्स है, फिर इंटरसेक्शन बी टू कर दिया, फिर इंटरसेक्शन रेड का कर दिया, फिर यूनियन आर वन इंटरसेक्शन बी टू और इंटरसेक्शन बी थ्री। ठीक क्या कर दिया, बी थ्री कर दिया, मतलब पहली गोली फिक्स है कि लाल ही रहेगी, दूसरी गोली काली की आएगी भी, तीसरी गोली भी काली की हो सकती, इस प्रकार इतनी संभावनाएं इसकी बनेंगी। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चों हमने 30 नंबर बता रहे थे आपको कि बताया था पी आर वन इंटरसेक्शन आर टू इंटरसेक्शन बी थ्री होगा, यूनियन आर वन इंटरसेक्शन बी टू इंटरसेक्शन आर थ्री, यूनियन आर वन इंटरसेक्शन बी टू इंटरसेक्शन बी थ्री, मतलब फर्स्ट गोली फिक्स है आपका क्या होना चाहिए, लाल होनी चाहिए, यहाँ लिखा है निकाली गई पहली गोली लाल है। आप ध्यान दीजिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इजी मेथड से बताएंगे। आर वन टोटल गेंद कितने बताइए, पांच लाल है और तीन काली है, तो कुल गेंद कितनी हो गई अपने पास, आठ गेंद हो गई, तो लाल गेंद जैसे पांच निकालेंगे तो पांच बटे आठ लिखे। ठीक समझ में आया ये आर वन का हुआ, फिर आर टू निकालेंगे ना, फिर लाल ही निकालना, एक गेंद तो लाल की निकल चुकी है ना, अब लाल गेंद कितनी बचेगी, चार बचेगा, टोटल गेंद में से भी एक गेंद कम हो जाए क्योंकि बिना प्रतिस्थापन के है। फिर इंटू लगाइएगा अब बी थ्री, बी थ्री मतलब ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर अभी हमारे पास कितना टोटल, तीन ही है, तो तीन बटे क्या हो जाएगा ये, छह हो जाएगा, संख्याएं कम होती जाएंगी, पहले आठ गेंद थी, दोबारा में सात गेंद आएंगी, फिर दोबारा में छह गेंद आएंगे, धीरे धीरे करके संख्या कम होगी और इसको प्लस का साइन अप लगाएंगे हम। अब R1 इसके लिए अलग चलेगा, देखिए R1 अब कितनी हुई, पांच ना, तो पांच बटे आठ होगा इंटू बी टू, बी टू कितनी है, तीन ना, काली गेंद तीन है तो तीन बटे क्या कर देंगे, सात कर देंगे, एक गेंद निकल गई है इसलिए गेंदों की संख्या सात बचेंगी। फिर आर थ्री, आर थ्री पहले बार में आर कितना था, पांच थे ना, अब आर कितने हो जाएंगे, रेड कलर की गेंद चार, क्योंकि एक गेंद निकल चुकी है इसलिए अब आर गेंद कितने आएंगे, रेड कलर के चार आएंगे और ये छह हो जाएगा, प्लस का साइन लगाइएगा। फिर R1 देखिए, तो R1 तो पांच थे लाल कलर की गेंद, तो पांच बटे आठ इंटू करिएगा, B2 गेंद कितनी थी, देखिए तीन काली गेंद थी ना, तो तीन बटे कितना हो जाएगा, सात, अच्छे से समझिए इसको, ध्यान से देखिए तीन बटे सात हो गई। अब देखिए तीसरी गेंद भी काली ही निकलेगी, बाकी तीन गेंद काली निकल गई में से सात गेंद निकाल गया, तो अब गेंद काली गेंद कितनी बचेगी, दो, दो बटे क्या होगी, छह, शुरू में काली गेंद तीन थी तो तीन बटे सात होगी, और फिर दोबारा काली गेंद कितनी बचेगी आपके पास, दो बचेंगी आप, दो बटे छह। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है बस, तो देखिए पांच चौको बीस तेईस साठ आ जाएगा ये, और इसको गुणा करिए आठ सात छप्पन, छप्पन में छह का गुणा करिए कितना आएगा, छह छह छत्तीस, छह तीन छह पंच तीस, तीन तैतीस, कुल मिलाकर 336 आया। प्लस लगाइए पांच तेईस पंद्रह चौको साठ बाई 336 ही रहेगा, प्लस पांच तेईस पंद्रह गुणे दो तो तीस, तीस बटे 336 ये हो गया। समझ में आया ना कैसे कैसे मैंने बनाया इसको। अब इसके बाद 336 के अभ्युत्तम लिया, 60 प्लस 30 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 60 120 और 30 150 हो गए, बटे क्या हो गया 336 हो गया। अब इसको मैं किससे काट दूं बताइए, तीन से ना, तीन पाँच पंद्रह, तीन एक कम तीन, तीन एक कम तीन दूनी छः, अब दो से काट दूं 25 आएगा ये और दो 56 आ गया, अब नहीं कट रहा तो इस प्रकार से 25 बटे 56 इसका आंसर आया। तो बच्चों मैंने आपको समझाया सवाल कि पहले आप प्रश्न को अच्छे से तीन चार बार कम से कम प्रश्न को पढ़िए, रुक रुक के पढ़िए, समझिए कि प्रश्न में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, उसके बेस में फिर ये सवालों को बनाइए तो प्रायिकता के सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बनने भी लगेगा, आपको किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा क्वेश्चन में। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखें, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। अच्छी तरह से फेंटी गई एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी से, ठीक है, बिना प्रतिस्थापन के एक एक करके दो पत्ते निकाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इनमें से एक लाल होगा और दूसरा क्या होगा, काला पत्ता होगा। ठीक समझना है, तो हम क्या करेंगे, हर माना पहला पत्ता के
लाल होने की घटना, लाल होने की घटना आर वन ले लेते हैं, ठीक, लाल है इसलिए आर ले लेते हैं, तथा दूसरे पत्ते के, तथा दूसरे पत्ते के काले होने की घटना, की घटना। अब देखो जब मैं आर वन रेड को मान लिया हूं तो अभी क्या होगा, बी वन थोड़ी मानते हैं, बी टू ये दूसरा पत्ता है ना, इसलिए यहां बी टू लिखिए, पहला पत्ता है ना इसलिए आर वन लिखा था, और ये दूसरा पत्ता इसलिए क्या लिखा, बी टू लिख दिया, टू का मतलब दूसरा पत्ता हो गया, समझ रहे हैं आप। इसी प्रकार से इसी प्रकार अब और मानेंगे हम, माना पहला पत्ता अभी लाल माने थे, यदि मान लो पहला पत्ता के काले होने की घटना, काले होने की घटना B1 है, तब दूसरे पत्ते के लाल होने की घटना, लाल होने की घटना क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। पहला वाला भी बना लो, देखो दो कंडीशन हो सकती है ना भाई, देखिए पहला यदि लाल को हम मानते हैं R1, तो दूसरा क्या हो जाएगा, काले कलर का, यदि पहला काला कलर का हो जाएगा तो बी वन, और दूसरा क्या हो सकता है, लाल हो सकता है, तो उसको हम आनेंगे आर टू। इस प्रकार अब अभिष्ट प्रायिकता इज इक्वल टू पी लिखेंगे आर वन माने पहला पत्ता इंटरसेक्शन बी टू दूसरा पत्ता काला, यूनियन लगाइएगा, फिर पहला पत्ता मान लीजिए ब्लैक का आया तो दूसरा क्या आ जाएगा, रेड का आ जाएगा। आपको पहला पत्ता समझिएगा इसको, B1 का मतलब है पहला पत्ता काला, तब दूसरा पत्ता क्या होगा, लाल कलर का होगा, इसमें पहला पत्ता लाल का है तो दूसरा पत्ता काले कलर का, B2 का मीनिंग है दूसरा पत्ता काले कलर का, समझ रहे हैं ना, ऐसे करके समझेंगे आप। आप देखिए तो आप पी आर वन इंटरसेक्शन बी टू, अब ये यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, पी बी वन इंटरसेक्शन आर टू, इसको हम लिखेंगे योग प्रमेय से, कौन प्रमेय से, योग प्रमेय से लिखे, क्योंकि यहाँ योग का मतलब प्लस हो गया, यूनियन क्या होता है प्लस में चेंज हो जाता है, और ये पी का जो है इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाता है। आप देखिए एक और लिख देता हूं, पी आर वन ये लिखे इनटू करिएगा पी, फिर ध्यान दीजिएगा अब मैं क्या लिखूंगा, बी टू बाई आर वन लिखेगा, क्या लिखेंगे, बी टू बाई आर वन प्लस पी बी वन हुआ, बी वन है तो बी वन हुआ इनटू पी आर टू बाई पी वन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर टू बाई B1, ये कौन प्रमेय से है, गुणन प्रमेय से लिखिएगा इसको, क्या, गुणन प्रमेय से, समझ में आया बच्चों। देखो पहले PR1 लिखिए, फिर इनटू P B2 बाई R1 करिएगा, ध्यान रहे, फिर ऐसे इसी प्रकार देखिए P B1 लिखिएगा अलग अलग, फिर P R2 बाई B1 लिखिएगा, और नियम किस नियम से है, ये गुणन प्रमेय नियम से, ठीक है ना। तो प्रायिकता को आगे हम और लगाते हैं इसके सवाल पर। हाँ तो बच्चों ये बता रहा था कि अब मैं जो है इसमें अच्छी तरह से देखिए, 52 पत्तों से दो पत्ते निकाले जाते हैं, प्रत्यक्षता जाते हैं जिनमें से एक लाल हो और दूसरा काला पत्ता हो, तो लाल पत्ता कितने होते हैं पता है आपको, लाल पत्ते होते हैं 26 और काले पत्ते होते हैं 26। इस प्रकार से कुल 52 पत्ते होते हैं, दो कलर के होते हैं, दो रंग के, एक लाल रंग का होता है एक काले रंग का होता है, लाल रंग का जो पत्ता होता है वो 26 होते हैं और काले रंग के पत्ते भी 26 होते हैं। तो लाल रंग की प्रायिकता निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 26 बटे 52 आएगा इनटू लगाए, अब ये बी टू लिखा ना मतलब ये काले रंग का पूछ रहा है, तो 26 बटे क्या हो जाएगा, इनके जब एक पत्ता लाल का निकल जाएगा तो पत्तों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्लस अब काले कलर के पत्ते कितने होते हैं, 26 बटे 52 हो जाएंगे, 26 52 पत्तों से 26 पत्ते मतलब काले पत्ते निकालने के तरीके 26 बटे 52 होंगे, और ये लाल कलर का पूछ रहा है इसलिए 26 बटे 51 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको आपको सॉल्व करना है, इजी मेथड से आप सॉल्व करिए, तो यदि कैसे करें इसको सॉल्व बताइए, 26 बटे 52 है, 26 बटे 51 प्लस 26 बटे 52 प्लस 26 बटे 51, तो मैं इसको 26 गुणे 26 प्लस 26 गुणे 26 और लघुत्तम ले लिया तो 52 गुणे 51 लघुत्तम आ गया, ठीक ना। अब 26 26 को जोड़ दीजिए तो 52 हो गया, ये भी 52 हो गया बटे 52 गुणे 51, तो 52 जब जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे बताइए, 104 बटे 52 गुणे 51। आप इसको अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, 25 जा 10 22 जा 4 26 आया, फिर
दो, तो 2/51। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर कितना आया, 2/51 आया। अब बच्चों ये 26 गुणे जो 26 है प्लस 26 गुणे 26 हमने एलसीएम लिया था और 52/51 था, कि भाई मिस्टेक जो है हमने 26 को जब गुणा करेंगे तो 52 थोड़ी आएगा, ये तो जोड़ दिया था मैं, तो 26 का क्या करना है हमको, गुणा करना है। तो देखिए 26 को जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 576 आएगा, और प्लस 26 का गुणा करेंगे तो ये भी 676 आया, 52/51 हो गया, ठीक ना। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 2, 6, 6, 12, 7, 7, 14, 1, 15 हो जाएगा, 6, 6, 12, 1, 13 हो जाएगा, बटे 52/51 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग काट देते हैं इसी तरीके से, 2 से पहले काटते हैं, देखिए 2, 26 ही आया, 2, 6, 12, 1, 5, 2, 6, 14, 1, 2, 6, 12 हो गया, फिर 2 से काटा तो 13 आया, और 2, 3, 6, 1, 6, 2, 8, 16, 13 से काटते हैं क्या, देखते हैं कटता क्या, 13, 2, 26, और 26, 4, 30, 8, 13, 6, 4, 10, 13, 7, 13, 6, 78, हाँ कट गया, 26 आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों क्या आ जाएगा, 26/51 आ गया, ठीक ना। तो ये आपका क्या था, आंसर था, जो हमने यहाँ पर गलती से गुणा कर दिया था, जोड़ दिया था, वो एक्चुअली में होना था गुणा, 26 × 26, वो हमने गलत से 52 लिख दिया था ना, होना चाहिए 26 × 26 करिएगा 676 आएगा, फिर 26 × 26 करिएगा तो 676 आएगा। इस प्रकार से जोड़ के इसको अपने हिसाब से काट दीजिएगा, इस प्रकार से आपका आंसर 26/51 आएगा। तो 10-15 नंबर पर देखेंगे बच्चों आप, 10 टिकटों पर 1 से 10 तक की संख्याएं अंकित हैं, बिना प्रतिस्थापन के एक एक करके 2 टिकट निकाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक टिकट पर संख्या 5 का गुणज है तथा दूसरी पर संख्या 4 का गुणज है, ठीक ना। तो सरल तरीके से बताए जाएंगे आपको, देखिए 10 टिकटों पर 1 से 10 तक, 10 टिकटों से 2 टिकटें निकालने के तरीके क्या होंगे, 10 टिकटों से 2 टिकट निकालने के तरीके, निकालने के तरीके क्या हो जाएगा बताइए, 10C2 हो जाएगा, 10C2 को सॉल्व भी कर देता हूं, 10 × 9 / 2 × 1 कितने हो गए, 45 आ गया, 45 आया, ठीक। अब देखिए किससे गुणा जाए, 2 टिकट निकाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए एक टिकट पर संख्या 5 का गुणज, तो 5 के गुणज कितने हो जाएंगे बताइए, 2 गुणज 2 होंगे, कौन कौन होंगे बताइए, 1 से 10 तक के 5 के गुणज, 5 × 5 और 5 × 2 = 10, कुल कितने हो गए, 2, ठीक। और 4 के गुणज, 4 के गुणज भी 2 होंगे, कौन कौन होंगे देखिए, 4 होगा और 4 × 2 = 8 हो गए। तो इन 2 गुणों में गुणज में से एक टिकट निकालना और इनके 4 के गुणज में से भी एक एक टिकट निकालने, तो 2 ये हो जाएंगे, तो 2 टिकटों से 2 गुणजों से एक एक गुणज निकालना कहने होता, तो 2C1 × 2C1 होगा अपान 10C2 होगा, ये अभिष्ट प्रायिकता आई, क्या प्रायिकता इज इक्वल टू 2C1 × 2C1 / 10C2। तो देखिए 2C1 का मतलब 2 और 2C1 का मतलब 2, 10C2 को मैं सॉल्व करके बता दिया 45, तो इस प्रकार से 4 / क्या आएगा, 45 आएगा, ये सरल तरीके से आपको बताया गया। अब बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 100 विद्यार्थियों में से 60 और 40 के 2 सेक्शन है, 60 में और 40 के 2 सेक्शन बनाए गए हैं, ठीक है ना। यदि 100 विद्यार्थियों में तुम और तुम्हारा मित्र हो, ठीक, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि, पहला क्वेश्चन है, तुम दोनों एक ही सेक्शन में प्रवेश की प्रायिकता क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है तुम दोनों के भिन्न सेक्शन में प्रवेश की प्रायिकता क्या होगी, इसका मतलब समझे। देखो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 100, और 2 सेक्शन बने हैं, 60 विद्यार्थी का एक सेक्शन है और एक सेक्शन है 40 विद्यार्थी का, तो हम क्या मान लेते हैं, मान लो हल माना 60 विद्यार्थियों का सेक्शन ए है, 60 विद्यार्थियों का सेक्शन ए है, सेक्शन ए है, ठीक है, और 40 विद्यार्थियों का सेक्शन बी है, ठीक, ये बात तो आपको क्लियर हो गई, 40 विद्यार्थियों का सेक्शन बी है, ठीक। अब प्रश्न ये कहता है, देखिए पहला, कि तुम दोनों एक ही सेक्शन में होगे, या तो दोनों ए सेक्शन में होगे या तो दोनों
बी सेक्शन में, रहोगे एक ही सेक्शन में तुम दोनों। पहला सवाल ये का, तुम दोनों के एक ही सेक्शन में, या तो सेक्शन ए में ही रहोगे या तो सेक्शन बी में ही रहोगे, ठीक ना। तो अभिष्ट प्रायिकता देखिए, अच्छे समझिएगा बहुत। पार्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, हम कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं कि तुम दोनों एक ही सेक्शन में प्रायिकता क्या होगी। इसका मतलब ये होता फर्स्ट पार्ट के सवाल का मीनिंग कि या तो सेक्शन ए में तुम दोनों रहोगे या तो तुम दोनों सेक्शन बी में रहोगे। हम यहाँ लिख ही सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि तुम दोनों सेक्शन ए में होगे, तुम दोनों सेक्शन ए में होगे या तुम दोनों सेक्शन बी में होगे, दोनों सेक्शन बी में होगे, ये भी क्लियर हो गया आपका। या तो दोनों सेक्शन ए में रहोगे या दोनों सेक्शन बी में रहोगे, ठीक। आप चलिए अभिष्ट प्रायिकता बराबर लिखिए, अभिष्ट प्रायिकता बराबर देखिए, मैं समझाता हूं अच्छे से। 60 बच्चे थे पहले सेक्शन में, तो 60 बटे क्या हो गया बताइए, 100 बच्चे, टोटल विद्यार्थी 100 थे सेक्शन ए में, हमने पहले विद्यार्थी को चयन किया तो 60 हुआ, 60 तरीके से चयन कर सकते हैं ना भाई। तो अब देखिए, जब 60 बच्चों में से 100 बच्चे थे, टोटल बच्चे 100 थे, उसमें 60 एक सेक्शन में थे तो 60/100 हुआ। अब दूसरे मित्र को जब मेरे को रखना है तो मित्र आपके बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, अब बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 59 हो जाएगी, क्योंकि एक बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पर, एक मित्र का सिलेक्शन हो चुका है। वो एक मित्र का सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकता हूँ मैं, 60 तरीके से कर सकता हूँ, समझ रहे हैं ना। तो 60/100 हो गया। अब जब 60 में से एक आ गया तो अब बच्चे कितने बचे मेरे पास, 59 बचे ना, और टोटल संख्या भी मेरे पास कितनी बची, 99 बची। ये बात क्लियर हुई, सेक्शन ए की बात मान करते हैं। अब सेक्शन बी को चलते हैं, तो शुरू में 40 बच्चे सेक्शन बी में थे, 40/100 ये हो गया क्लियर आपका, 40 बच्चे, 100 बच्चों में से 40 बच्चों का सेक्शन चयन करना, तो 40/100 होगा। अब 40 में से जब एक बच्चा का सिलेक्शन हो जाएगा तो अब बच्चे मेरे पास कितने बचेंगे, 39 बचेंगे, और यहाँ टोटल बच्चों की संख्या भी एक कम हो जाएगी, तो क्या बचेगी, 99 बचेगी। ये बात आपको क्लियर करा दी गई। अब इनको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इंटू कर दिया 60 का, 59 में इंटू करिए, 6 × 54 = 5 आएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 54 = 5 आंसर, 6 × 5 = 30 = 5 = 35 हो जाएंगे, ये आ गया। और अपान में क्या हो जाएगा, 99/100 हो गया, प्लस ये। अब 4 का इंटू करिए, ये आ गया 1560/99/100, ये भी हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। अब बच्चों इसको हमको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, तो इसको हम दोनों को पहले क्या करेंगे, प्लस करते हैं, और एलसीएम तो सेम आएगा। अब इसको प्लस करके कितना आएगा, देखिए 0 आया, 6 × 4 = 10 किए तो 0 आया, 5 × 5 = 10 = 11, 1 आया, 3 × 1 = 4 = 5 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस अच्छे से कर लीजिए, और ये काट लिया, 00 कैंसिल हो गया, 51/ तो बच्चे ध्यान दीजिए कि 99 9900 था ये नीचे, तो 9900 में से 2 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 51/99 ये पहले सवाल का आंसर आया, जब दोनों मित्र एक ही सेक्शन में होंगे, ठीक। अब हम बच्चों इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट का ना, तुम दोनों के भिन्न भिन्न सेक्शन में प्रवेश की प्रायिकता क्या होगी। भिन्न भिन्न सेक्शन का मतलब है, यदि पहला मित्र सेक्शन ए में है तो दूसरा मित्र सेक्शन बी में होगा, और यदि पहला मित्र सेक्शन बी में है तो दूसरा मित्र सेक्शन ए में होगा। तो बी नंबर का सलूशन देखिए, यदि पहला मित्र सेक्शन ए में है तब दूसरा मित्र सेक्शन बी में होगा, या पहला मित्र सेक्शन बी में है, पहला मित्र सेक्शन बी में है तब दूसरा मित्र सेक्शन ए में होगा। ठीक, क्या समझिए, यदि पहला मित्र सेक्शन ए में है तब दूसरा मित्र सेक्शन बी में होगा, या पहला मित्र सेक्शन बी में है तो दूसरा मित्र सेक्शन ए में होगा। इसकी प्रायिकता कैसे देखेंगे, देखिए अभिष्ट प्रायिकता इज इक्वल टू
पहले में 60 थे, पहले सेक्शन में तो 60/100 हो गया, ठीक। इसमें एक विद्यार्थी का चयन हो गया है, पहला सेक्शन की बात हो रही है। दूसरे सेक्शन में कितने बच्चे थे बताइए, 40 थे। लेकिन बच्चों के एक सेक्शन में तो एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया ना, तो टोटल बच्चे कितने बचेंगे अपने पास, 99 बचेंगे, ठीक। दूसरे में देखिए 40/100 हुआ, 40/100 हुआ, इस सेक्शन में एक मित्र का सिलेक्शन हो गया, तो दूसरे सेक्शन के लिए 60/99 करेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, या आप ऐसे 0-0 कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं। अब आपके पास कितना बचा, 24/99 इधर बचा, और इधर से 1-0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 24/99 ये भी बचेगा। तो देखिए बच्चों, इसको अब हम जब एलसीएम ले लेते हैं तो 24+24/99 ये कितना हो जाएगा, 48/99 हुआ, ठीक। अब इसको हम चाहें तो काट भी सकते हैं ना, तो कैसे काटे, 3 से काट दूं तो 16 आएगा और ये 33 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर 16/ क्या आएगा, 33 आया, ठीक ना। तो ये सवाल था कि जब दोनों मित्र अलग अलग सेक्शन में होंगे, भिन्न भिन्न सेक्शन में होंगे, तो उसका आंसर 16/33 आएगा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आप। एक बॉक्स में 5 नीली और 4 लाल गेंदे हैं, बॉक्स से एक गेंद यदृच्छा निकाली गई है और उसे वापस नहीं रखा गया है, और तथा गेंद का रंग भी नोट नहीं किया गया है। तब एक अन्य गेंद यदृच्छा निकाली गई है, तो दूसरी गेंद के नीली होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक। दूसरी गेंद के नीली होने की प्रायिकता, तो माना इवन बराबर बॉक्स से निकाली गई पहली गेंद नीली है, बॉक्स से निकाली गई गेंद नीली है, और E2 बराबर बॉक्स से निकाली गई गेंद लाल है। ये क्लियर हुआ। और माना A बराबर बॉक्स से निकाली गई गेंद नीली है, जो पूछा जा रहा ना उसको हमेशा A में लिखिया करिए, क्या दूसरी गेंद के नीली होने की प्रायिकता पूछा है ना, वो हमेशा क्या रहेगा आपका A। माना A दूसरी गेंद के जो पूछा गया उसी को लिख दीजिए में, दूसरी गेंद के नीली होना, माना A बराबर दूसरी गेंद के नीली होना, दूसरी गेंद का नीला होना, नीली होना, ठीक। ये भी समझ आया। आप क्या करेंगे, P E1 जब लिखे हम देखो, P E1 बराबर क्या होगा, 5 नीली गेंद है ना, और टोटल गेंद कितनी हमारे पास बताओ, 5 नीली है और 4 लाल है, कुल गेंद कितनी हो गई, 9। कुल गेंद भी आप लिख सकते हो, कुल गेंद बराबर 5 × 4 = 9, ठीक। तो जब P E1 निकालेंगे तो 5/ क्या आएगा, 9 आया, और जब PE2 निकालते हैं तो PE2 कितनी थी, 4 लाल गेंद थी ना, तो 4 लाल गेंद निकालने का 4/9। अब PA/E1 जब हम निकालेंगे तो A/E1 में क्या आएगा, 4/8 आएगा, और PA/E2 जब निकालेंगे तो यहाँ E2 कितने थे, 5 ना, ये तो 5/1, एक एक संख्या क्या हो जाएगी, नीचे से कम हो जाएगी, क्योंकि एक एक करके दो गेंदे निकाली जाती है और उसे वापस गर्दने नहीं रखा जाता है, तो इसलिए यहाँ की संख्या जो 9 थी टोटल गेंद ना, वो 9 गेंद में से एक एक संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, ठीक। हाँ बच्चों, अब इसके बाद हमने बताया PE1 क्या निकाला, 5/9 आएगा, PE2 4/9, और PA/E1 एक संख्या कम हो जाएगी, टोटल थे तो 4/8, और PA/E2 हो जाएगी 5/8। अब संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ से क्या लगेगा, यहां पर देखिए PA बराबर PE1 इंटू PA/E1 होगा, प्लस PE2 इंटू PA/E2, ठीक ना, क्लियर हुआ। ये फार्मूला है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय की, PE1 तो PA/E1 होगा, ये क्या होता है जो पूछा जाता है वो माना जाता है ये को, प्लस PE2 PA/E2। तो मैं PE1 की वैल्यू कितना रखा हूँ, देखिए 5/9 है, और PA/E1 कितनी है मेरे पास, 4/8
8 है प्लस पीई टू की वैल्यू मेरे पास 4 बाई 9 है इंटू पी ए बाई ई टू की वैल्यू मेरे पास 5 बाई 8 है। अब इसको प्लस करिए आप 5 4 20 9 8 72 प्लस 5 4 20 9 8 72 इसको एलसीएम ले लीजिए 20 प्लस 20 40 बाई 72। अब इसको क्या करिए काट दीजिए 8 पंचे 40 8 9 72 5 बटे 9 इसका आंसर आया 5 बटे 9। तो प्रश्न सॉल्व करते समय बताए बच्चों कि प्रश्न को बार बार पढ़िए और पढ़ के उसको समझिए क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछ रहा है, इसके बाद सॉल्व को सॉल्व करिए आपका इजी में आंसर आ जाएगा प्रायिकता का। बच्चों हाँ प्रायिकता के नोट्स बना लीजिएगा और इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा बच्चों। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।